नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शरद। आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिलेड इरप्शन ऑफ परमानेंट टीथ। आज हम बात करेंगे कि बच्चों में यदि दूध के दांत गिर जाते हैं और उसकी जगह पर नए परमानेंट दांत नहीं आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए। बच्चों में दूध के दांत 6 साल की उम्र के बाद एक एक दो दो दांत धीरे धीरे गिरना चालू होते हैं, और जब भी दांत गिर जाता है उसके कुछ महीनों के अंदर वहाँ पर नया दांत आ जाता है, और इस प्रकार 13 साल की उम्र तक बच्चों में नए परमानेंट दांत आ जाते हैं। हर एक दांत के गिरने का एक निश्चित समय होता है। यदि ये दांत अपने समय से पहले गिर जाते हैं या गिरने में लेट हो जाते हैं तो इससे कई प्रॉब्लम्स आ सकती है। 6 साल की उम्र तक बच्चों में दूध के दांत होते हैं, इनकी संख्या टोटल 20 होती है। सामने के ऊपर नीचे के ये चारों दांत जो बीच में होते हैं इन्हें बोलते हैं सेंट्रल इंसाइजर्स। सेंट्रल इंसाइजर के साइड वाले दांत को लेटरल इंसाइजर्स कहते हैं। लेटरल इंसाइजर के साइड के दांतों को केनाइन कहते हैं। केनाइन के पीछे वाले दांत को फर्स्ट मोलर, और फर्स्ट मोलर के पीछे वाले दांत को सेकेंड मोलर कहते हैं। इनमें हर एक दांत के गिरने का एक निश्चित समय होता है, एक पीरियड होता है। यदि ये दांत अपने निर्धारित समय अंतराल में नहीं गिरते हैं तो इस वजह से दांतों के अलाइनमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। यदि दांत समय पर नहीं आया है, नहीं इरप्ट हुआ है, तो इस वजह से बाजू वाला जो दांत आ रहा होता है उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, वो आड़े तिरछे हो सकते हैं, उनमें मालोक्लूजन क्रिएट हो सकता है, और कई बार स्पेस पूरा नहीं मिलने की वजह से ये भी हो सकता है कि परमानेंट दांत उगे ही नहीं, आए ही नहीं मुंह में। इस कंडीशन में हो सकता है कि बच्चों को या तो नकली दांत लगाना पड़े, या जो दांत अंदर रह गया है, अटक गया है, इम्पैक्ट हो गया है, उसे बाहर निकालने के लिए सर्जरी करना पड़े। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा दांत किस उम्र में गिरता है और उनकी जगह पर नया दांत कब आता है। सामने के ये चार दांत जिन्हें हम सेंट्रल इंसाइजर्स कहते हैं, ये लगभग 6 से 7 साल की उम्र में गिर जाते हैं। इसके साइड के लेटरल इंसाइजर 7 से 8 साल की उम्र में गिरते हैं। केनाइन के गिरने की उम्र होती है 10 से 12 साल के बीच में। उसके पीछे के फर्स्ट मोलर 9 से 11 साल की उम्र में गिरते हैं, और फर्स्ट मोलर के पीछे वाले सेकेंड मोलर 10 से 12 साल की उम्र में गिरते हैं। इस टाइम पीरियड में यदि बच्चों के दांत नहीं गिरते हैं तो आपको डेंटिस्ट के पास जाकर उनका चेकअप करा लेना चाहिए। जो दांत अपनी निश्चित समय अवधि के बाद भी नहीं गिरते हैं, मुंह में रह जाते हैं, उन दूध के दांतों को ओवर रिटेंड डेसीडियस टीथ कहते हैं। इन ओवर रिटेंड मिल्क टीथ दूध के दांतों के कारण परमानेंट दांतों के आने की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि दांत आए ही नहीं। यदि दांतों के उगने की डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो बाद में दांत आड़े तिरछे हो सकते हैं और ये पूरे चेहरे का शेप बिगाड़ सकते हैं। यदि इस प्रकार की समस्या आती है तो बाद में आपको दांतों में ब्रेसेस लगाकर, तार लगाकर उन्हें सीधा करवाने के लिए ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन यदि आप डेंटिस्ट के पास जाकर टाइम से चेकअप करा लेंगे और वे यदि इस ओवर रिटेंड डेसीडियस टूथ को टाइम से निकाल देंगे तो हो सकता है कि भविष्य में दांत आड़े तिरछे ना हो या इम्पेक्शन ना हो, जिस वजह से भविष्य में आपको सर्जरी या ऑर्थो ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े। अब हम देखते हैं कि दूध के दांत गिरने के बाद कितने समय में नए दांत आ जाना चाहिए। कोई भी दूध का दांत गिरने के 1 से 2 महीने के अंदर वहाँ पर नया दांत नॉर्मली आ जाता है। कई बार कुछ कारणों से ये लेट भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने के अंदर अंदर दूध का दांत गिरने के बाद में नया परमानेंट दांत आ जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपको अपने डेंटिस्ट से चेकअप करवाना चाहिए। डेंटिस्ट उस दांत का एक्सरे लेकर उसकी पोजीशन देख लेते हैं, और यदि निकालने की आवश्यकता होती है तो उस दांत को समय से निकाल देते हैं। अब हम देखते हैं कि दूध के दांत गिरने के बाद नया दांत नहीं आने के क्या क्या कारण होते हैं। पहला कारण है टूथ एजेनेसिस। टूथ एजेनेसिस का मतलब है कि दांत, परमानेंट दांत हड्डी के अंदर बना ही नहीं है। यदि दांत बना ही नहीं है तो नया दांत आने का कोई सवाल ही नहीं होता है। इस कंडीशन में भविष्य में आपको नकली दांत लगवाना पड़ता है। अंदर नया दांत बना है या नहीं बना है, इसे देखने के लिए डेंटिस्ट आपके दांतों का एक एक्सरे लेते हैं। यदि दांत नहीं बना है तो उस एक्सरे में क्लियर दिख जाता है कि अंदर दांत मौजूद है या नहीं, और किस पोजीशन में वह मौजूद है, ये भी एक्सरे में दिखाई दे जाता है, जिसके आधार पर डेंटिस्ट आपकी ट्रीटमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। परमानेंट दांत नहीं आने का दूसरा कारण हो सकता है टूथ मालफॉर्मेशन। इसका मतलब है कि दांत अंदर हड्डी में बन तो गया है, पर उसका आकार कुछ ऐसा है जिस वजह से उसे उगने के लिए पूरी तरह से स्पेस नहीं मिल पा रहा है, और दांत अंदर अटक गया है, इम्पैक्ट हो गया है। इस कंडीशन में कई बार दांत को बाहर लाने के लिए सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ सकती है।
परमानेंट दांत नहीं आने का तीसरा कारण हो सकता है कि दांत के रास्ते में कोई पैथोलॉजिकल बैरियर हो, वहाँ कोई सिस्ट हो या चोट लगने की वजह से वहाँ कोई ग्रेन्यूलेशन टिश्यू हो या वहाँ पर और भी कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है जो दांत को उगने के रास्ते में, इरप्ट होने के रास्ते में रुकावट डाल रही हो। इस कंडीशन में उस सिस्ट को या उस पैथोलॉजिकल बैरियर को सर्जरी करके हटाना पड़ता है, जिससे कि बच्चों के दांत प्रॉपर टाइम से अपनी जगह पर इरप्ट हो जाएँ। चौथा कारण जो हम बात करेंगे, ये बहुत कॉमनली होता है और ये कई बच्चों में देखने को मिलता है, वो है सुपर न्यूमरी टीथ। इस कंडीशन में दांत अधिक संख्या में आ जाते हैं। अक्कल दाढ़ को मिलाकर परमानेंट दांतों की संख्या 32 होती है। कुछ केस में यदि एक्स्ट्रा दांत आ जाते हैं, 33 या 34 दांत आ जाते हैं, तो इन एक्स्ट्रा दांतों को सुपर न्यूमरी टीथ कहते हैं। इस कंडीशन में जब सुपर न्यूमरी टीथ नॉर्मल दांत की जगह पर आ जाते हैं, तो उस परमानेंट नॉर्मल दांत को आने के लिए, इरप्ट होने के लिए स्पेस नहीं मिल पाता है। इस कंडीशन में भी इस एक्स्ट्रा दांत को निकालना जरूरी होता है, जिससे कि नॉर्मल परमानेंट दांत अपनी जगह पर प्रॉपर एडजस्ट हो जाए। पांचवा कारण भी बहुत कॉमन है जो कई बच्चों में देखने को मिलता है। इस कंडीशन में दांत के ऊपर का मसूड़ा बहुत टाइट हो जाता है, म्यूकोपेरिओस्टियम थिक हो जाती है, जिस वजह से दांत उसे चीर कर पूरी तरह से स्वयं ही बाहर नहीं आ पाता है। कई बार जब दूध के दांत गिर जाते हैं तो बच्चे वहाँ पर बार बार जीभ लगाते हैं या बार बार उंगली से वहाँ पर टच करते हैं। दूध के दांत गिरने के बाद कई बार वहाँ पर जीभ लगाने से या उंगली बार बार वहाँ पर लगाने से इस प्रकार यहाँ पर म्यूकोसा थिक हो जाता है, मसूड़े की चमड़ी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, जिस वजह से परमानेंट दांत उस चमड़ी को चीर कर बाहर नहीं आ पाता है। इस कंडीशन में डॉक्टर उस जगह को एनेस्थेटाइज करके, सुन्न करके उस जगह में एक हल्का सा इंसीजन दे देते हैं, एक छोटा सा चीरा लगा देते हैं, जिससे कि उस चमड़ी को आसानी से पार करके आपका परमानेंट दांत, स्थायी दांत वहाँ पर बाहर आ जाए। यदि बच्चों को गाइड करेंगे कि दूध के दांत गिरने के बाद बार बार उस जगह पर जीभ नहीं लगाई जाए और उंगली वगैरह वहाँ पर टच नहीं की जाए, तो इस प्रकार की कंडीशन से बचा जा सकता है। अब हम इसका एक डेमोंस्ट्रेशन पेशेंट में देखते हैं। चीरा लगाने की प्रोसेस पूरी तरह पेनलेस होती है या एनेस्थेटाइज करके वहाँ पर इंसीजन दिया जाता है, जिसमें बच्चों को कोई दर्द नहीं होता है। एक बार प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप बच्ची का फीडबैक देख लीजिए, उसके बाद हम पूरी प्रोसेस को देखेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? साक्षी। अच्छा, अभी हमने आपको सुई लगाई थी, उसमें गड़ी थी क्या सुई? आपको कोई दर्द हुआ अभी? हमने आपके दांत को यहाँ पे ऐसा काटा था तो मशीन से कुछ दर्द हुआ क्या आपको? बोलो हाँ कि हाँ या नहीं बोलो। नहीं हुआ। और सुई लगाई थी तो सुई गड़ी थी क्या? नहीं गड़ी। बोल के बताओ हाँ या नहीं। नहीं, नहीं गड़ी। अच्छा है। इस केस में डिलेड इरप्शन ऑफ लेफ्ट सेंट्रल इंसाइजर है। यहाँ पर दूध का दांत गिरे हुए काफ़ी महीने हो चुके हैं, लेकिन नया दांत इरप्ट नहीं हो रहा है। हम दांत के एलिवेशंस देख सकते हैं कि मसूड़ों पर दांत आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस चमड़ी को, उस मसूड़े को चीर कर वह बाहर नहीं आ पा रहा है। तो हम इस चमड़ी को सुन्न करके नया दांत आने के लिए रास्ता बनाएंगे। चीरा लगाने के लिए सबसे पहले टॉपिकल स्प्रे किया जाता है, जिससे कि वो चमड़ी सुन्न हो जाए और वहाँ पर इंजेक्शन लगाने का दर्द नहीं हो। टॉपिकल एनेस्थीसिया कैसे पेनलेसली दिया जाता है, इस पर हमने एक और वीडियो बनाया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे इस लिंक में जाकर देख सकते हैं, या फिर हमने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ ही इंजेक्शन पेनलेसली किस प्रकार लगाया जाता है, इसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और उसे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी देख सकते हैं, या फिर आई बटन में जाकर यहाँ पर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस प्रकार से 60 सेकेंड्स तक टॉपिकल स्प्रे करने के बाद में हम वहाँ पर एनेस्थीसिया इंजेक्ट करते हैं। एनेस्थीसिया इंजेक्ट करने के बाद में वो चमड़ी पूरी तरह से सुन्न हो जाती है। एनेस्थीसिया देने के बाद में 3 मिनट तक वेट करते हैं। उसके बाद हम शार्प SO21 नंबर बर की सहायता से उस थिक चमड़ी को निकाल देते हैं। यह पूरी प्रोसेस दर्द रहित होती है। इस प्रकार चीरा लगाने के बाद इस परमानेंट दांत को आप देख सकते हैं। यह जो सफ़ेद हिस्सा है, ये परमानेंट दांत है, जो म्यूकोसा मसूड़ा थिक होने की वजह से नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब इंसीजन देने के बाद में हमने इसका रास्ता खोल दिया है और ये कुछ ही दिनों में मुंह के अंदर इरप्ट हो जाएगा। क्या नाम है बेटा आपका? साक्षी। अच्छा, अभी हमने आपको सुई लगाई थी, उसमें गड़ी थी क्या सुई? आपको कोई दर्द हुआ अभी? हमने आपके दांत को यहाँ पे ऐसा काटा था तो मशीन से कुछ दर्द हुआ क्या आपको? बोलो हाँ कि हाँ या नहीं बोलो। नहीं हुआ। और सुई लगाई थी तो सुई गड़ी थी क्या? नहीं गड़ी। बोल के बताओ हाँ या नहीं। नहीं, नहीं गड़ी। अच्छा है।
चीरा लगाने के बाद भी बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि उस जगह पर बार बार जीभ से स्पर्श न करें और न ही किसी चीज़ से, उंगली से या किसी और ऑब्जेक्ट से उस जगह को जाकर टच करें। इससे हो सकता है कि चीरा लगाई हुई जगह वापस से जुड़ जाए या दांतों के आने की डायरेक्शन चेंज हो जाए, दांत आड़े तिरछे हो जाएँ या दांत वापस से इम्पैक्ट हो जाएँ। होपफुली हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहें। थैंक यू।